फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल टेस्टी फूड में। आज मैं आपके साथ में चिली पटेटो की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने हरी धनिया लिया है, जिसको मैंने छोटे आकार में चॉप कर लिया वॉश करके। 8 से 10 लहसुन लिए हैं, जिनको मैंने छोटे आकार में कट कर लिया है। थोड़ा सा अदरक लिया है, जिसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। नमक लिया है, थोड़ी सी हरी मिर्ची ली है, जिनको मैंने लंबे आकार में इस तरीके से कट कर लिया है। थोड़े से तिल के सीड्स लिए हैं, वाइट वाला तिल है ये, और थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन लिया है, जिसको मैंने वॉश करके कट कर लिया है। इसके अलावा मैंने ये 2 शिमला मिर्च ली हैं, 2 बड़े आकार की प्याज ली हैं, अरारोट लिया है, ये चिली फ्लेक्स लिए हैं मैंने, ये हनी है, और ये रेड फूड कलर है, सोया सॉस लिया है, वाइट विनेगर है, और ग्रीन चिली सॉस है चिंक्स का, और ये टमाटो केचप है। इसके अलावा मैंने एक ये शेजवान चटनी का पाउच लिया है, रॉकेट, और ये पेरी पेरी का मिक्सचर लिया है। इसके अलावा मैंने ये फ्रेंच फ्राइज काटने के लिए ये कटर लिया है, और ये मैंने कुछ पटैटोज लिए हैं। ये 5 पटैटोज हैं, जिनको मैंने छील लिया था और इनको पानी में भिगो दिया है। ये मैंने फ्रेंच फ्राइज कटर लिया है, ये मैंने मीशो से ऑर्डर किया था। अगर आपके पास ये अवेलेबल हो तो आप इससे बहुत अच्छी तरीके से फ्रेंच फ्राइज कट कर सकते हैं। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सबसे पहले हम ये पटैटो लेंगे, इसको हम इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे, और इस तरीके से हमें इसके ऊपर ये रखना है और इसे कस के काटना है। अब देखिए, हम इसे ओपन करके देख लेंगे। हमने जो ये आलू किया था, ये अच्छे से कट हो गया है। ये देखिए, इसके अच्छे अच्छे पीसेस कट गए हैं। अगर आपके पास ये कटर ना हो तो मैं आपको चाकू से की सहायता से भी बता रही हूँ कि किस तरीके से आपको फ्रेंच फ्राइज कट करना है। अब इस तरीके से देखिए, हमने ये दूसरा आलू लिया था, इसको भी हमने कट कर लिया है। इससे काफ़ी फाइन और बढ़िया आलू आपका कटेगा। ये देखिए, अगर आपके पास इस तरीके का कटर नहीं है तो हम चाकू से भी तरीके का आलू कट कर सकते हैं। पहले आपको वाला पार्ट हटा देना है दोनों साइड से, फिर हम इसको आलू को बीच से इस तरीके से कट करेंगे, फिर हम इसके छोटे छोटे पीसेस काटेंगे। इस तरीके से आपको छोटे छोटे इसके पीसेस कट कर लेना है। ये देखिए, हमने 5 आलू को कट करके तैयार कर लिया है। देखिए कितने फाइन और बढ़िया फिंगर चिप्स कटे हैं, कितने बढ़िया लग रहे हैं। अब हम इसे, ये एक बाउल जो हमने लिया है, जिसमें पानी लिया है हमने, इसमें 1 टीस्पून हम के लगभग नमक डालेंगे, और इसमें अपने सारे आलूओं को भिगो देंगे। लगभग 5 मिनट के लिए इसको मैं पानी में भिगो के रखूँगी, उसके बाद हम इसे वॉश कर लेंगे 2-3 बार अच्छी तरीके से। ये देखिए, इस तरीके से हमने इसे 5 मिनट के लिए पानी में वॉश करके रखना है। अब हम शिमला मिर्च कट करेंगे। ये एक हमने शिमला मिर्च ली है, 2 शिमला मिर्च ली हैं, हम आपको एक शिमला मिर्च कट करके बताते हैं। सबसे पहले हमें शिमला मिर्च को बीच से कट कर लेना है, फिर हमें इसका सीड्स वाला पार्ट हटा देना है। सीड्स वाले पार्ट को हम इसके अलग कर लेंगे और इसके इस तरीके से बड़े बड़े पीसेस कट करेंगे। ये देखिए, हमने शिमला मिर्च कट कर ली है। इसी तरीके से हम अपनी दूसरी शिमला मिर्च भी काटेंगे। ये हमने एक प्याज ली है, इसको हम इस तरीके से कट करना है।
इसी तरीके से हम अपनी ये दूसरी प्याज भी कट करेंगे। अब हमने ये थाली में ये कटे हुए आलू को डाल देंगे। इसमें हम 2 टेबल स्पून अरारोट का पाउडर डालेंगे। थोड़ा सा फ्रूट कलर डालेंगे। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। अब देखिए हमने इसमें अरारोट मिला के और कलर मिला के इसको तैयार कर लिया है और अब हम इसे फ्राई करेंगे वाली में। गैस पे हमने कढ़ाई चढ़ा दिया है। इसमें मैंने रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है, आप चाहे तो किसी भी ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें अपने फ्रेंच फ्राइज को तलेंगे। हमें धीरे धीरे थोड़े थोड़े करके फ्रेंच फ्राइज को इसमें डालना है। इसे अच्छा कुरकुरा होने तक फ्राई करना है और अभी गैस की फ्लेम हमारी मीडियम है, हम मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राई कर रहे हैं। बीच बीच में हमें इसे चलाते रहना है, अभी ये हमारे पूरी तरीके से पके नहीं हैं, ये लगभग होने ही वाले हैं। अभी अच्छी तरीके से हमारे फ्राई हो गए हैं। अब हम इन्हें इस तरीके से निकाल लेंगे और इसी तरीके से हम अपने सारे फ्रेंच फ्राइज को तल लेंगे। अब हम इसकी ग्रेवी की तैयारी करते हैं। अब हम इसके लिए ग्रेवी बना रहे हैं। इसमें हमने ऑयल डाला है। सबसे पहले हम इसमें ये छोटे कटे हुए लहसुन के टुकड़े डालेंगे। इसके साथ ही ये जो अदरक कद्दूकस करी थी हम इसमें डालेंगे और इसको अच्छे से तेज आंच पे फ्राई करेंगे। अब हमने ये जो 2 शिमला कट करी थी इसमें डालेंगे। इसके साथ ही साथ हम इसमें ये प्याज डालेंगे और इन सब चीज़ों को लगभग 5 मिनट तक हम इसमें तेल में फ्राई करेंगे। हमें इसे पकाना नहीं है, बस हल्का सा इसका कच्चापन दूर हो जाए। हम थोड़ा सा इसे ढाक देंगे ताकि ये अच्छे से थोड़ी सी गल जाए, कच्चापन इसमें ना रहे। अब देखिए हमने इसे 5 मिनट तक करा था और ये अच्छे से हो गया है। हमें इसे ज़्यादा गलाना नहीं है। अब हम इसमें सॉसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें थोड़ा सा टमाटो केचप ऐड करेंगे, थोड़ा सा वाइट विनेगर डालेंगे इसमें हम, 1 छोटा चम्मच सोया सॉस डालेंगे, थोड़ा सा चिली सॉस हम इसमें डालेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी हमने गैस की फ्लेम को तेज़ कर दिया है, अच्छे से इन सब चीज़ों को मिलाएंगे। अब हम इसमें ये कटी हुई हरी मिर्ची डालेंगे, ये 4 हरी मिर्चें हैं, इसको भी इसमें मिक्स कर लेंगे। ये लगभग 2 चम्मच हम अरारोट ले रहे हैं, इसको हमें पानी में घोल के इसका पतला पेस्ट बना ले रहा है ग्रेवी में डालने के लिए, ताकि ग्रेवी गाढ़ी हो जाए। अब हमने ये जो अरारोट को थोड़े से पानी में 2 चम्मच अरारोट को घोला है हम इसमें डाल देंगे। इसका यूज़ ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए हो रहा है और हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
इसी वक्त हम इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे, इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लगातार हम इसे चलाते रहेंगे। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करा है और लगातार हमें चलाते रहना है, जिससे हमारा अरारोट की जमे ना और अच्छा इसका ग्रेवी तैयार हो सके। देखिए कितनी बढ़िया ग्रेवी तैयार हो रही है, हम इसे लगातार चला रहे हैं। ये हम इसमें शेजवान चटनी एक पैकेट हम इसमें डाल रहे हैं, इसको अच्छे से मिला रहे हैं। इससे काफ़ी अच्छा कलर आता है, देखिए कितना बढ़िया कलर आ रहा है। और गैस को हमने धीमी आंच पर ही रखा है। अब इसमें हम ये पेरी पेरी मिक्सचर डालेंगे। थोड़ा सा चिली फ्लेक्स हम इसमें डालेंगे, सबको अच्छे से मिला लेंगे। थोड़ा सा हम इसमें जीरा पाउडर डालेंगे, भुना हुआ जीरे का पाउडर है ये, सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए हमने सारे फ्रेंच फ्राइज निकाल लिए हैं, देखिए कितने बढ़िया कुरकुरे और करारे बने हैं। अब हम इसे ग्रेवी में डालेंगे। अब हम इसमें एक छोटा चम्मच हनी डालेंगे। इसको अच्छे से मिला लेंगे। इसमें थोड़ी सी हम स्प्रिंग अनियन डालेंगे, थोड़ी सी हरी धनिया पत्ती डालेंगे और हमने ये जो फ्रेंच फ्राइज अपने तैयार करे हैं इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से चला के मिक्स करेंगे। इस तरीके से हम ग्रेवी में इसे मिक्स करेंगे। देखिए कितना बढ़िया कलर आया है और कितने अच्छे लग रहे हैं। आप भी हमारी रेसिपी ट्राई करिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी है। इस तरीके से हम इसमें सारे फ्रेंच फ्राइज डाल देंगे। अब देखिए ये बन के तैयार हो गया है, हम इसे आपको सर्व करके दिखाते हैं। हमने देखिए चिली पटेटो को सर्व कर लिया है, इसके ऊपर हमने स्प्रिंग अनियन और ये तिल के सीड्स डाले हैं वाइट कलर के और थोड़े से धनिया की पत्ती के साथ में इसे गार्निश किया है। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो आप हमारी वीडियोस को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और हमारी वीडियोज़ को अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू।